पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस घी से भी महंगे हो गए हैं। यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब पेट्रोल और डीजल के लिए भी हमें लोन लेना पड़ेगा। जो पेट्रोल 1990 में 12 रुपए में बिकता था वो अब 110 रुपए में बिकने लगा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल और डीजल को कैसे बनाया जाता है और क्यों ये इतना महंगा है? जानेंगे आज पेट्रोल और डीजल बनने की पूरी कहानी, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। दोस्तों, वीडियो में पेट्रोल और डीजल निकालने का जो प्रोसेस आप देखेंगे उससे आपको पता लग सकता है कि इन्हें बनाना काफी आसान है, लेकिन जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इन्हें बनाने की प्रोसेस की वजह से भी पेट्रोल और डीजल इतने महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में अरबों रुपए खर्च होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कंपनियां पेट्रोल और डीजल को सीधे जमीन से पंप करके निकाल लेती हैं और पेट्रोल पंप पर पहुंचा देती हैं, बल्कि उन्हें तो इस काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दरअसल पेट्रोल या डीजल हमें जमीन के भीतर से एक काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है, और ये दोनों ही फ्यूल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है चट्टानों से मिलने वाला तेल, जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है। वैसे इस पेट्रोलियम के बनने की भी अपनी इंटरेस्टिंग कहानी है। आज से हजारों लाखों साल पहले जब इस धरती पर समय समय पर कई बार विनाशकारी आपदाएं आईं, तब धरती पर रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे जमीन की गहराई में दब गए, और हजारों सालों तक दबे रहने के बाद जब ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो गए तब ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। हजारों सालों तक दबे रहने के चलते ये प्रेशर और हीट की वजह से लिक्विड में बदल गए, और इनमें से बहुत सारे ऐसे सोर्सेस समुद्र के अंदर या फिर जमीन के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। जब इंसान ने पेट्रोलियम और उसकी क्वालिटीज को जान लिया तो कई बड़े बड़े कुओं से ड्रिलिंग करके इस पेट्रोलियम को निकालना शुरू कर दिया। इस पेट्रोलियम में कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल होता है। इस क्रूड ऑयल में पेट्रोल, नेफ्था, कैरोसिन, डीजल और मोम जैसी चीजें होती हैं। एक बार जब इसे निकाल लिया जाता है तो इस कच्चे तेल को कारखाने में ले जाया जाता है। इस कारखाने को रिफाइनरी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चा तेल हर जगह नहीं पाया जाता है, और दुनिया में कुछ ही जगहें हैं जहां ये तेल मिलता है। ये पेट्रोलियम जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर मिलता है। जो पेट्रोलियम समुद्र में होता है उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, और जमीन पर जो तेल होता है उसे निकालने के लिए वहां कुएं बनाए जाते हैं। ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। समुद्र हो या फिर जमीन, असली वक्त लगता है तेल के सोर्स को ढूंढने में। कई बार तो इसमें सालों लग जाते हैं और अरबों रुपए भी खर्च होते हैं। जो तेल हम तक पहुंचता है उसे ढूंढने के लिए समुद्र में कई बड़ी और महंगी मशीनें लगाई जाती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तक तेल ढूंढती रहती हैं। जब इस मशीन को एक जगह से तेल मिल जाता है तो इसे आसपास की चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि ये हिल डुल ना सके। इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, जैसे घरों में नल लगाने के लिए ड्रिल करते हैं वैसे ही। लेकिन ये जो ड्रिल होती है वो हजारों फीट नीचे तक होती है। जैसे ही एक बार इस ड्रिल से तेल मिलता है तो उसे पाइप की मदद से तैरती हुई रिफाइनरी तक पहुंचा दिया जाता है। जमीन पर ड्रिलिंग का काम भी कुछ इसी तरह होता है। एक बार जब तेल को निकाल लिया जाता है तो इन्हें रिफाइनरी में ले जाया जाता है। इन रिफाइनरी में इस कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंड्रिकल बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइपों की मदद से निकाल ली जाती है। अब यह होता कैसे? असल में हमें पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम के अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं, इसीलिए इसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। आपको ये तो पता ही होगा कि हर तेल का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, और पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसे अलग अलग टेम्परेचर पर उबाला जाता है, क्योंकि इस कच्चे तेल में कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल डीजल होते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पर ही मिलते हैं। जैसे जैसे हम पेट्रोलियम को उबालते हैं ये कच्चा तेल भाप बनने लगता है। इसे ऐसे समझिए कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबालना पड़ता है, और 40 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिलता है। वहीं 160 डिग्री पर कैरोसिन ऑयल मिलता है। इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन ऑयल जैसी चीजें हमें मिल जाती हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल किस तरह बनता है। एक बार जब हमें पेट्रोल और डीजल मिल जाता है तो इसकी टेस्टिंग होती है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल मिला है। जितना ज्यादा ऑक्टेन उतना ज्यादा महंगा और अच्छा तेल माना जाता है। इसके बाद इसे टैंकर्स में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनियां इंडिया में पेट्रोल और डीजल के लिए अरबों रुपए इन्वेस्ट करती हैं।